नमस्कार रमास्टर की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं कोकोनट मिल्क। के लिए हमें चाहिए गरी कोकोनट, मैंने एक छोटे साइज का कोकोनट लिया था, इसे मैंने आधा छोटे टुकड़े में काटा है इस तरीके से। के ऊपर के छिलकों को हम निकाल देंगे एक साइड से। निकालते हुए चाकू की मदद से हम इसे इस तरीके से इसके छिलकों को निकालेंगे। देखिए मैंने इसके छिलकों को निकाल दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। गरी को छोटे टुकड़े में काट दिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसके अंदर सारे टुकड़ों को डाल देंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे। एक चौथाई कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम पीस करके इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए मैंने कोकोनट को पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे, बाउल लेंगे, उसमें एक छन्नी रखेंगे इस तरीके से। चम्मच से हम इसे छान लेंगे। देखिए मैंने कोकोनट मिल्क को छान लिया है। अब ये जो ऊपर से हमने इसको निकाल के रखा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। देखिए मैंने फिर से कोकोनट को अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसका भी दूध हम छान लेंगे। चम्मच से अच्छी तरीके से हम दबा करके इसका दूध निकाल लेंगे। कोकोनट मिल्क बनकर तैयार हो गया है। आप इसके साथ राइस बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर चीला बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने व्यू में जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।